क्लास 11 मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 12 सीक्वेंस एंड सीरीज चल रहा। इसकी एक्सरसाइज 12.3 पा रहे हम। 12.3 में कल हमने क्वेश्चन नंबर 12 करवाया। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे कुछ आधा क्वेश्चन मैंने करवा देता कर लिए, तो ये इसका रिमेनिंग पार्ट है। रिमेनिंग पार्ट हो क्वेश्चन नंबर 12, इसमें हमने डी की वैल्यू 1/PQ निकाली थी। अब डी की वैल्यू 1/PQ पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट या दी वाली इक्वेशन फर्स्ट, इसमें हमने डी की वैल्यू रख दी 1/PQ ए इक्वल टू, फिर हम इस पूरे पोर्शन को प्लस को इधर ले गए माइनस का। यहाँ पे एलसीएम लिया हमने पी क्यू, तो यहाँ पे आ पी ब्रैकेट खुल जाएगा, माइनस का पी प्लस का वन, पी से पी कैंसिल हो जाएगा, ए की वैल्यू आ जाएगी 1/PQ। फिर हमें करना सम ऑफ पी क्यू टर्म, एस पी क्यू इक्वल टू पी क्यू अपॉन टू 2a + PQ - 1 इंटू डी। पी क्यू अपॉन टू, दो ए की वैल्यू रख दी हमने 1/PQ, डी की वैल्यू रख दी 1/PQ, एलसीएम आ गया पी क्यू, दो 2 + PQ - 1 इसको सोल्व करेंगे तो एस पी क्यू इक्वल टू आ गया, पी क्यू से पी क्यू कैंसिल आ गया, वह बाहर आएगा 1/2, ये आ गया 1/2, अंदर बचेगा पी क्यू, ये बच गया पी क्यू, दो में से एक गया एक, तो 1/2 PQ + 1 इसका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। इफ द सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म ऑफ एन ए पी इज क्यू एंड सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म इज पी, फाइंड द सम ऑफ द पी प्लस क्यू टर्म, सेकंड पार्ट है पी माइनस क्यू टर्म। तो पहले हमने पहले वाली कंडीशन बनाई, सम ऑफ द पी टर्म इज इक्वल टू क्यू, तो हमने लिखा एस पी इज इक्वल टू पी अपॉन टू 2a + p - 1 इंटू डी इज इक्वल टू क्यू, क्वेश्चन में गिवन है। इस 2 की मल्टीप्लाई हमने उधर कर दी तो आपकी इक्वेशन आ गई, इस p की मल्टीप्लाई अंदर कर दी तो आपकी इक्वेशन आ गई 2ap + p² - p इंटू डी इज इक्वल टू 2q। ऐसे ही हम s क्यू लिखेंगे, क्यू अपॉन टू 2a + q - 1 इंटू डी इज इक्वल टू p, ये क्वेश्चन में p दे रखी है। इसकी 2 की मल्टीप्लाई उधर कर दी और इस क्यू की मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में अंदर कर दी, 2a³ + q² - q (d) = 2p। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को माइनस कर देने, ये लिख दिया हमने फर्स्ट इक्वेशन, ये लिख दिया सेकंड, माइनस करा 2a³ आया p - q + ये बी कॉमन आ गया, यहाँ पे पहली ग्राफ आ गई p² - p, फिर माइनस करेंगे माइनस की q² + q, इधर आ गई 2 कॉमन लेके q - p, तो इसमें हमने 2a p - q + p² को पास पास लिख लिया, माइनस का p प्लस का q लिख दिया इंटू डी, इसमें से माइनस कॉमन ले लिया p - q आ गया 2a p - q, इसके दो फैक्टर एक माइनस था एक प्लस का, इसमें से माइनस कॉमन लिया p - q इंटू डी, तो ये ब्रैकेट के अंदर है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे माइनस के 2p - q, तो इस पूरे ब्रैकेट में से हमने p - q कॉमन निकाल लिया, यहाँ बचेगा 2a + p + q - 1 इंटू डी इज इक्वल टू माइनस के 2p - q, p - q से p - q कट गया, हमारे पास आएगा 2a + p + q - 1 इंटू डी इज इक्वल टू -2, ये वाली कंडीशन आ गई। अब इस कंडीशन को हमने इक्वेशन नंबर 3 बोल दिया, इस इक्वेशन को हमने क्या कह दिया 3। अब हमें निकालना sp + q, sp + q जो निकाल लेते हैं वो p + q / 2 2a + p + q - 1 इंटू डी, फार्मूला लगा दिया, तो ये p + q / 2 तो जुगत हुआ है और ये जो पूरा ब्रैकेट है इसके ऊपर थर्ड इक्वेशन से वैल्यू आई थी -2, हमने -2 रख दिया इस पूरे की जगह, इस पूरे टर्म की जगह क्या रख दिया हमने -2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस के p + q आ गया, तो sp + q = -p + q आंसर आ गया। ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, सेकंड पार्ट का यहाँ स्पेस नहीं है, मैं आपको तरीका बता रहा वरना कल को करा लूंगा। सर हमारे पास 2 इक्वेशन है फर्स्ट और सेकंड, हम पहले दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे एलिमिनेटिंग मेथड से और फाइंड करेंगे ए,
ए की वैल्यू भी फर्स्ट में रख देंगे, फाइंड करेंगे डी, ये ए ए कैंसिल हो जाएगा, डी निकल जाएगा, डी की वैल्यू फर्स्ट में रख देंगे। मेरा मतलब है कहने का सोल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, पहली और दूसरी इक्वेशन को सोल्व करके सोल्व सेकंड पार्ट में सोल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फाइंड फाइंड ए एंड डी, सोल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फाइंड ए एंड डी निकाल लेंगे। और जो नीचे है एस पी माइनस क्यू टर्म का जो टोटल का फार्मूला है, इसमें एन की जगह पी माइनस क्यू चल रहा है यहाँ पे, और इसमें ए और डी की वैल्यू आप रख देंगे, और इसका आंसर ये आना चाहिए आपका, पीछे जो आपके आंसर शीट में है वो पी माइनस क्यू नहीं दे रखा, वो रॉन्ग है, ये आना चाहिए आपका आंसर। तो इसको कंप्लीट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आगे की वीडियो आपको मिलती रहे, थैंक यू। और अपने मोबाइल को जब आप ऑनलाइन क्लासेस करते हैं तो राइट डिस्टेंस पर आंखों से रखिए, 25 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए डिस्टेंस बिल्कुल आपकी। थैंक यू।